तो पिछले वीडियो पर इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला आप लोगों का, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस वीडियो को बेस्ट एनीमे अवेलेबल इन हिंदी पार्ट 2 भी समझ सकते हो। वो बात अलग है, उसमें मैंने 10 एनीमे के बारे में बताया था और इसमें सिर्फ 3, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा एनीमे मिले नहीं। लेकिन फिकर नॉट, जल्दी इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा। एक और बात, अगर आप लोगों को पिछला वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देख सकते हो। नंबर 1, जॉब 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। एक लड़का जो अपने बड़े बड़े सपने लेकर एक कंपनी में जॉब के लिए गया, इस उम्मीद के साथ वो इस जॉब से वो सारे काम कर पाएगा जो उसने अपनी बकेट लिस्ट में मेंशन करे हुए हैं। लेकिन जब फाइनली उसने ये कंपनी ज्वाइन करी तो उसे समझ आया उसके पास तो जॉब के बाद इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपनी लिस्ट पूरी कर पाए, क्योंकि कई कई रातों तक तो ऑफिस के काम की वजह से वो अपने घर पर भी नहीं पहुंच पाता, यहां तक कि उसे सही से सोने और खाने को भी नहीं मिल पा रहा। लेकिन फिर भी एक इंसान ऐसा भी है जिसकी प्रेजेंस उस ऑफिस में होने की वजह से वो 3 सालों तक उस कंपनी में काम कर पाया, क्योंकि वो उस लड़की को पसंद करता है। लेकिन आज रात जब वो अपने घर लौटा और अगले दिन सुबह उठा तो पूरे वर्ल्ड में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है, चारों तरफ लोग मारे जा रहे हैं, शहर में एकदम कोहराम छाया हुआ है। पर ये देखकर ये लड़का खुश है क्योंकि फाइनली उसे ऑफिस से छुट्टी मिली, तो आज से उसके हॉलीडेज शुरू और अब वो अपनी लिस्ट भी पूरी कर सकता है। लेकिन उससे पहले उसे उस लड़की को जाकर अपनी फीलिंग्स बतानी है, क्योंकि पिछले 3 सालों में इतने काम की वजह से एक ऑफिस में रहते हुए भी उसे ये मौका ही नहीं मिल पाया। तो क्या वो लड़का इन ज़ॉम्बीज से बचकर उस लड़की तक पहुंच पाएगा और क्या वो अभी तक जिंदा भी है, ये तुम एनीमे में देखना। ये एनीमे तुम्हें क्रंचीरोल पर देखने मिल जाएगा ऑफिशियल हिंदी डब के साथ। वैसे देखा जाए तो ये एनीमे ज़ॉम्बीज के ऊपर नहीं, उस लड़के की लाइफ के ऊपर है, और वो इसका एनिमेशन भी हमें बता ही देता है, क्योंकि जो वाइब्रेंट कलर्स का यूज किया है एनिमेशन के लिए वो तुम्हें फील ही नहीं होने देता भाई, ये टेंशन का माहौल है। तो यार अगर तुम्हें कोई हॉरर कॉमेडी एनीमे देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 2, रीबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन आई नाउ द डंजियन। देखो यार, इस एनीमे का प्लॉट तो एकदम फुद्दू सा था, लेकिन इसको देखने में मुझे मजा तो आया। तो एनीमे शुरू होता है, एक लड़का आराम से अपने स्कूटर पर जिंदगी के मजे लेते हुए कहीं जा रहा था, जो उसके सामने वाली व्हीकल पर रखी वेंडिंग मशीन के उस पर गिरने से मारा गया, जिसके कुछ ही देर बाद वो अपनी आंखें खुलता है एक नदी के किनारे, वो भी वेंडिंग मशीन के रूप में, जिसके थोड़ी देर बाद उसे समझ आया वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है और ये दुनिया अभी के समय से बहुत पीछे है। यहाँ वेंडिंग मशीन क्या होती है कोई नहीं जानता। तो सबसे पहले तो उस पर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद वहाँ से एक लड़की निकलती है और वो उसको ये समझा पाता है अगर वो उसको पैसा देंगे तो वो उनके लिए खाने को कुछ सामान देगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो लोगों की बातें तो सुन सकता है लेकिन खुद सिर्फ वही सेंटेंसेस बोल पाता है जो एक वेंडिंग मशीन में इंस्टॉल किए जाते हैं, जैसे थैंक यू, फिर से आइएगा एंड बाकी सब। तो अब वो कैसे इस दुनिया में रहेगा और वो क्या अपनी फीलिंग्स उस लड़की तक पहुंचा पाएगा और उसको क्या बता पाएगा वो यहां तक कैसे पहुंचा, ये देखने के लिए तुम इस एनीमे को देखो। ये एनीमे भी तुम्हें क्रंची रोल पर मिल जाएगा ऑफिशियल हिंदी डब के साथ। लास्ट एनीमे से पहले यार, अगर तुमको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हो, थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो, तो और भी ऐसे ही हिंदी एनीमे के ऊपर वीडियो लाने में मुझे भी अच्छा लगेगा। और हाँ, इस वीडियो में मैंने इनको रैंक नहीं किया क्योंकि ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, जब हो जाएंगे तब इनको रैंक भी करेंगे। नंबर 1, व्हाइट टाइनी सेंपाई। तो भैया ये एनीमे रहा सारे रोमांटिक लोगों के लिए। इसके अंदर तुम्हें क्यूटनेस, रोमांस, कॉमेडी और कुछ सूथिंग मूवमेंट्स सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और मुझे पता है सबसे ज्यादा लोग इस इमेज को देखकर इस वीडियो पर क्लिक मारे हैं, लेकिन मैं भी तेज हूँ, पहले इसके बारे में बात कर लेता तो तुम उतना ही वीडियो देख के भाग जाते। कमेंट सेक्शन में बताओ सही बोला या नहीं। टाकुमा जो एक ऑफिस एम्प्लॉई है, उसका ऑफिस के काम में कुछ ज्यादा ही मन लगता है और वो हमेशा टाइम से पहले ही अपने काम को कम्प्लीट करके देता है, क्योंकि उसको अपनी बॉस से कॉम्प्लीमेंट चाहिए और ऐसा नहीं है उसको काम करने का शौक है या वो किसी भी बॉस को इम्प्रेस करने को ये करता, बात है उसकी बॉस है सियोरी, जिसको मुझे इस एनीमे के लिए डिफाइन करना हो तो टाकुमा के पीओवी से उसकी बॉस एक गॉर्जियस, ब्यूटीफुल एंड क्यूट कैट है। तो भाई साहब, आसान शब्दों में कहा जाए तो ये लौंडा बर्बाद है, लेकिन ऐसा नहीं है, टाकुमा ही है जो एक तरफ से एफर्ट डालते जा रहा है, आग दोनों तरफ लगी है वो भी बराबर। तो अब ये कहानी किस तरफ जाती है ये तुम एनीमे के अंदर ही देखना। तो बेसिकली अगर तुमको कोई ऐसा एनीमे देखना है जिसके अंदर क्यूट रोमांस, नॉटी एक्सप्रेशन एंड डिसेंट कॉमेडी देखने को मिले तो तुम इसके साथ जा सकते हो, और ये एनीमे भी हिंदी में तुम्हें क्रंची रोल पर ही मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी आपसे फिर मिलूंगा और भी नए एनीमे के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए 2 वीडियो स्क्रीन पर और आ रहे होंगे, इनको चेकआउट कर सकते हो, वरना चैनल सब्सक्राइब करो और फिर जो करना है सो करो, तुम्हारी मर्जी।